गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर 7, फ्रैक्शंस। व्हाट इज फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन क्या होता है? किसी होल का कुछ पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, हियर आई हैव मेड अ सर्कल जिसके मैंने 3 पार्ट्स किए हैं एंड 2 पार्ट्स आर शेडेड। सो वी विल राइट इट एज 2/3, और यू कैन से इट एज 2/3, यानी यहाँ टोटल 3 पार्ट्स हैं जिसमें से 2 पार्ट्स शेडेड है। सो वी विल राइट इट एज इन अ फ्रैक्शन फॉर्म 2/3, जिसका मीनिंग होता है 2/3। हियर द अपर पार्ट दैट इज 2 इज कॉल्ड एज न्यूमिरेटर, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, एंड द लोअर पार्ट दैट इज 3 जिसे हम क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर, और इसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। नाउ व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस? लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, दैट मींस जिसका सेम डिनोमिनेटर होता है वो फ्रैक्शन सारे क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल 2/7, 5/7, 6/7, 11/7, सो दीज आर दी लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर क्या है, यानी कि नीचे वाला पार्ट क्या है, सेम है। अनलाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, अब जिसके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे उसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4/5, 3/4, 7/11, 12/19, सबके डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। सो दीज आर दी अनलाइक फ्रैक्शंस। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी जिसमें न्यूमिरेटर क्या होता है, छोटा होता है, और डिनोमिनेटर इसमें लार्जर होगा नंबर। सो फॉर एग्जांपल 1/2, जिसमें 1 छोटा है, न्यूमिरेटर छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, 2, उससे लार्जर है। 2/3, 2 छोटा है यानी न्यूमिरेटर छोटा है, और 3 दैट इज डिनोमिनेटर दैट इज लार्जर। 12/15, अगेन न्यूमिरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। सो दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और न्यूमिरेटर इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमिरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, और वी कैन से कि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होते हैं। कभी कभी इस टाइप के फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं, 2/2, 5/5, 6/6, सो दोज आर कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर न्यूमिरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा, वो भी सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल 2/2, दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/2, न्यूमिरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। 7/3, न्यूमिरेटर अगेन द बिगर वन एंड डिनोमिनेटर इज द स्मॉलर वन। So these are improper fractions. Now what are mixed fractions or mixed number? A fraction made up of a whole number and a proper fraction. So mixed fractions या mixed number क्या होते हैं? जो fraction किससे बना हुआ होता है, एक whole number और एक proper fraction से। For example 2/1/2, यहाँ ये जो 2 है जो ये line पे लिखा हुआ है ये whole number है, and this 1/2 is a proper fraction, और इसे हम इसी टाइप से लिखेंगे। आपको 2 को इसके साथ में ऊपर नहीं लिखना है 1 के साथ में, आपको 2 इस लाइन पे लिखना है। सो 2/1/2, 4/1/5, 7/5/11, दीज ऑल आर दी मिक्स फ्रैक्शंस। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7A विच इज ऑन पेज नंबर 54। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, टेक द फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू द फ्रैक्शन शोन बाय द शेडेड फिगर। अब यहाँ कुछ फिगर्स हमें दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इसमें से कौन सा इसका फ्रैक्शन करेक्ट है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट यू हैव टू काउंट ऑल दी पार्ट्स, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो देर आर 6 पार्ट्स, सो जो टोटल पार्ट्स होते हैं उसको आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। एंड देन हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, सो देर आर 2 पार्ट्स शेडेड, सो 2 को आप कहाँ लिखेंगे, ऊपर। सो द फ्रैक्शन इज 2/6, बट यहाँ पे 2/6 नहीं है। So what we have to do, we have to convert it into smallest number. That means 2 ki table mein 6 kitne times aata hai, 3 times aata hai. So now the fraction is 1/3.
So 1 upon 3 is the correct answer. Similarly, in this one, first you have to count all the parts. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So there are 8 parts. जो आपका लिखेंगे डिनोमिनेटर में. एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 पार्ट्स आर शेडेड जो आपका लिखेंगे न्यूमिरेटर में. नाउ सी, यहाँ पर अभी 6/8 नहीं है. अगेन वी विल डिवाइड दीज नंबर्स विथ 2 बिकॉज दोनों 2 की टेबल में आते हैं. ये 2 की टेबल में 3 टाइम्स आता है और 8 2 की टेबल में 4 टाइम्स आता है. नाउ 3/4 इज द करेक्ट फ्रैक्शन एंड दिस इज हियर. Similarly, you have to do for C and D part. Question number 2 is filling the blanks. Now, these filling the blanks you will do in your notebook. And how you will do? Let's do it. See, the question is given like this. Filling the blanks. 1/2 of 36 we have to find. So, here of means multiplication. Of ka yahan pe meaning kya hai? Multiplication. So, you will write first 1/2. एंड इस ऑफ को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है एंड देन 36 एज इट इज. नाउ फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर्स. जो यहाँ न्यूमिरेटर्स है उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 एंड 36 को आपको क्या करना है? पहले मल्टीप्लाई करना है एंड देन यू विल डिवाइड इट विथ 2 बिकॉज 2 क्या है? डिनोमिनेटर में है. सो इसके अपॉन में हम क्या लिखेंगे? 2. देन 1 × 36 is 36 divided by 2 and in the table of 2, 36 18 times. So this 18 is the answer. There is one more method to solve this question. इसमें अगर आपको directly divide करना है तो आप इसे directly भी divide कर सकते हैं. From this step we can divide this 2 by 36 18 times because इसकी table में 18 times आता है. Now we can multiply it by 1. So अब हम 1 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 × 18 is 18 ओनली. सो दिस विल बी द आंसर. आंसर आपका दोनों में क्या आएगा? सेम आएगा. इन सी पार्ट दैट इज 1/4 of 128 is equals to -. सो इसमें भी हम 1/4 को लिखने के बाद में मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे एंड देन 128. आप चाहें तो इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं और या तो पहले आप इसे मल्टीप्लाई कर लें एंड देन 4 से डिवाइड करें. सो हियर आई एम डिवाइडिंग इट डायरेक्टली इन द टेबल ऑफ 4. 128 कम्स 32 टाइम्स. सो द आंसर विल बी 1 × 32 is equals to 32. दिस विल बी द आंसर. इन ई पार्ट the question is given 2/3 of 39. So for 2/3 of 39 again we will write 2/3 first. Of ko hum multiply ke sign mein change karenge and then 39. Isme bhi aap dono method mein se kuch bhi apply kar sakte. First you can multiply 2 and 39 and then you will divide 3, or you can divide it directly by 3 and then you have to multiply it by 2. So here I am writing first of all 2 × 39 and then divided by 3. Now see, 3 and 39 can be divisible. 3 ki table mein 39 kitne times aayega? 1 and 3, that means 13 times. 3 ki table mein 39 13 times aata hai. Now we will multiply it by 2 because yahan pe 2 bhi hai abhi jisse hume multiply karna hai number ko. So 2 × 13 will be 26. So 26 is the answer. Or first you can do 39 or 2 ko aap multiply kar le and then jo bhi answer aayega usko hum 3 se divide kar le. Again the answer will be same, that is 26. In G part that is 7/12 of 108. Again 7/12 multiply by 108 is equals to 7 × 108 and then divided by 12. So 12 ki table mein 108 9 times aata hai and then 7 × 9 is 63. This will be the answer. Similarly you have to do the other parts. See, in question number 3, 4 and 5
यू हैव टू राइट दी लाइक फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज जिसमें न्यूमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होते हैं या न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है. सो इसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन से लाइक फ्रैक्शंस है, कौन से प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. एंड इन दिस वन, इन क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव टू फाइंड विच इज़ दी मिक्स फ्रैक्शन. इसमें से मिक्स फ्रैक्शन कौन सा है? सो दीज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आर मिक्स फ्रैक्शंस. सो ये आपको यहाँ फिल करना है. इन क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, इन 6 वी हैव टू चेंज दीज नंबर्स, दीज फ्रैक्शंस इन टू मिक्स फ्रैक्शंस. एंड इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव टू चेंज इन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. सो टू चेंज इन टू मिक्स फ्रैक्शंस वी हैव टू डिवाइड दिस न्यूमिनेटर बाय दिस डिनोमिनेटर. हमें यहाँ 4 को 9 से डिवाइड करना होगा. सो 4 से जब हम 9 को डिवाइड करेंगे विल गेट, 4 के टेबल में 9 तो नहीं आता है बट 2 टाइम्स क्या आता है, 8 आता है. सो वी हैव टू डू दिस. 1 इज रिमाइंडर हियर, सो वी विल राइट इट लाइक 2 एज अ होल नंबर, 1 एज न्यूमिनेटर एंड 4 एज डिनोमिनेटर. सो जब हम इसे लिखेंगे तो हम इस टाइप से लिखेंगे, 2 एज होल नंबर, 1 एज न्यूमिनेटर एंड 4 एज डिनोमिनेटर. एंड दिस इज द आंसर. सो जब भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है हम इसे डिवाइड करके चेंज करेंगे, और जो भी इसका क्वोशेंट आएगा क्वोशेंट को हमें लिखना है सबसे आगे. रिमाइंडर जो होगा उसको हम लिखेंगे न्यूमिनेटर में, और जो डिवाइज़र है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम अपॉन में लिखेंगे, यानी डिनोमिनेटर में लिखेंगे. लेट्स सॉल्व वन मोर पार्ट, दैट इज़ 35/8. सो हमें 8 से 35 को डिवाइड देना है. एंड इन द टेबल ऑफ 8 35 नहीं आता है, सो विल टेक द स्मॉलर नंबर. सो 35 से छोटा 8 की टेबल में क्या आता है? 32 4 टाइम्स. सो 4 टाइम्स 32 एंड देन सब्ट्रैक्ट, इट विल बी 3. सो वी हैव टू राइट 4 एज होल नंबर, 3 एज न्यूमिनेटर एंड 8 एज डिनोमिनेटर. सो द मिक्स फ्रैक्शन विल बी 4/3/8. सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व टू चेंज दिस मिक्स फ्रैक्शन इन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. सो यहाँ जो मिक्स फ्रैक्शन है इसे हमें अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है. फर्स्ट वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर एंड दिस होल नंबर. सो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर और होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन वी हैव टू ऐड दिस न्यूमिनेटर. आफ्टर दैट हमें इस न्यूमिनेटर को ऐड करना है, एंड इन द डिनोमिनेटर वी विल राइट दिस डिनोमिनेटर ओनली, दैट इज 3. सो हमें इस 3 को एज इट इज़ लिखना है. फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर्स, 3 × 3 इज 9. एंड देन वी हैव टू ऐड विथ 2. सो अब हम इस 2 को ऐड करेंगे, और नीचे जो 3 है डिनोमिनेटर में वो एज इट इज़ रहेगा. नाउ 9+2 इज 11. सो दिस विल बी 11/3 एंड दैट इज आंसर. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब हम मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर एंड होल नंबर, 3 × 3 इज 9. एंड देन वी हैव टू ऐड द न्यूमिनेटर, दैट इज 9+2 11. सो 11/3 विल बी द आंसर. आप सिर्फ 11 नहीं लिखेंगे, अपॉन में यानी जो डिनोमिनेटर में यह नंबर है उसे भी आपको लिखना है. लेट्स सॉल्व सम मोर सम. यहाँ हमें 7/5/11 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है. सो हियर फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 11 एंड 7, और जो भी इसका आंसर आएगा उसे हम 5 से ऐड करेंगे. सो फर्स्ट 11 × 7 वी हैव टू मल्टीप्लाई, एंड देन वी हैव टू ऐड 5, एंड इन अपॉन वी विल राइट 11 ओनली. सो 11 × 7 इज 77+5/11. 77+5 is 82. So we'll write 82 over here, and then
in denominator 11 only. And this is the answer. So children, this is your homework. You have to do introduction part of fraction. Question number 2, A, B, E, F. Question number 6, A, B, C, D. Question number 7, A, B, C, D parts in notebook. And question number 1, A, B, C, D parts. Question number 3, 4, 5 in your book of exercise 7A. Thank you.